श्योपुर जिले के बिजयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 जून को बिचपुरी गांव में दबंगों द्वारा मंदिर की जमीन पर जाकर महिला के साथ मारपीट करने को लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ज्ञापन के माध्यम से बताया कि मनो पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश बैरागी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बिचपुर की रहने वाली हैं। 24 जून को समय करीबन 4 बजे अपनी बेटी पूनम बैरागी और खेत देखने के लिए गई थी जो मंदिर के नाम दर्ज है। प्रार्थिया ने देखा कि गांव के ही पप्पू उर्फ दुर्गेश जादौन काली उर्फ कुलदेन्द्र सिंह जादौन विजेंद्र रावत के ट्रैक्टर से प्रार्थिया के खेत को जबरदस्ती कब्जा करके जुतवा रहे थे। तब महिला ने विरोध किया तो दबंगों ने कई गंदी गंदी गालियां दी, कहा कि तेरे पास खेत की रजिस्ट्री है, यह खेत सीताराम मंदिर की जमीन के नाम पर हमारे पूर्वजों को बरसों से दिया गया था, इसका लेखा हमारे पास मौजूद है। तो इन तीनों ने मिलकर जबरदस्ती खेत पर जुताई चालू की। प्रार्थी ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो महिला की लात कूसों से मारपीट कर दी। इसके बाद इस संबंध में कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। मामला यही है कि मतलब खेती में कर रहे हैं, बहुत दिनों से कह रहे थे कि हम दे देंगे तुम्हें हैं। अब मैंने मांग जोतने गए तो मैंने कही थी कि मेरी खेत नहीं जोतेगा और न जिसमें वो होगी, तो उनने बस ज़्यादा ज़्यादा मारपीट कर रही और बस हम पहले कहा कहते हैं खूब है, सरपंच गए बचाने तो सरपंच भी फिर बाहर कर दिया। कुछ नहीं पता, अभी कार्रवाई नहीं हो रही है और वो तो घूम रहे हैं थाने में, चाय पी रहे हैं, सब तरफ पुलिस प्रशासन उनकी तरफदारी कर रही है और हमारी जान को खतरा है। माँ बेटी और भाई भी है, भाई को भी मारने के लिए फिर रहे हैं जगह जगह। हमें सुरक्षा चाहिए, आप लोगों से निवेदन है और मीडिया वालों से भी निवेदन है। कोई नहीं है, हमारा पिता भी नहीं है, पिताजी भी खत्म हो गए, बुरी तरीका से मारा है, मम्मी को भी मारा, मुझे भी मारा, लात घूसों से कपड़े भी फट गए, मम्मी के फट गए, मेरे भी फट गए। अब आपसे आपके बड़ा हुआ कौन है हमारा, उनसे मिलना चाहेंगे, आप लोगों से गुजारिश है कि उनसे मिलवाएं हमें, हमारी जान को खतरा है, वो हमारी जान की बात कर सकते हैं। बेपुर क्षेत्र के बिचपुरी गांव में जो घटना हुई है वह घटना निंदनीय है और महिलाओं पर भाजपा सरकार जो अन्याय अत्याचार करवा रही है वो निंदनीय है। इसका जवाब भाजपा सरकार को आने वाले समय में देना पड़ेगा। हमारी बहन और इस माँ के साथ में जो मारपीट हुई है विजयपुर के प्रशासन द्वारा, उनको अगर न्याय नहीं दिलाया गया तो यहाँ का प्रशासन या कान खोल कर सुन रहे कि आने वाले समय में उसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। क्योंकि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अगर इनके साथ में कोई विवाद हो जाता है या भविष्य में कोई भी अनत्याचार होता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इतना बड़ा आंदोलन बीजापुर में खड़ी कर देगी कि प्रशासन देखते रह जाएगा और पुलिस प्रशासन को यह जवाब देते नहीं बनेगा। आने वाले 2 दिन बाद यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अभी तो मुख्यमंत्री जी से सिर्फ पीड़ित परिवार मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इनकी बात को अनसुना कर दिया और इनको न्याय नहीं दिलाया तो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी भी हिलाना हम जानते हैं। क्योंकि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो महिलाओं के मान सम्मान के लिए, उनकी इज्जत आबरू के लिए और उनके न्याय के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं।